दोस्तों, कौन कहता है कि सक्सेसफुल आदमी हर कोई नहीं बन सकता। अगर आपका ही माइंड यही सोचता है तो आज मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो भारत के सबसे कामयाब एंकर में से एक बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो भारत के मोस्ट फेमस एंकर में से एक दीपक चौरसिया की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दीपक चौरसिया जी की बायोग्राफी, कैरियर, कार कलेक्शन और बहुत सी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। तो गाइस, दीपक जी का पूरा नाम दीपक चौधरी है और इनका निकनेम दीपू है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1968 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था और 2019 के हिसाब से ये 51 इयर्स के हैं। वहीं दीपक जी धर्म से हिंदू और जाति से एक चौरसिया हैं और मौजूदा समय में ये प्रोफेशन से एक जर्नलिस्ट और एक न्यूज एंकर हैं। अब बात करते हैं दीपक जी के फिजिकल अपीयरेंस की। तो इनकी हाइट 5.9 फीट, वेट 73 केजी, आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक है। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल से करी थी जो कि इंदौर में स्थित है। वही इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली से करी। चलिए अब आपको मिलाते हैं दीपक जी की लाइफ से। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। दीपक चौरसिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस कारण उन्होंने कॉलेज के समय कई सारी आर्थिक तंगियों का भी सामना करा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम करने की ठान ले तो वो उसे करके ही मानता है। ठीक यही चीज दीपक सर ने करी और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से शुरू करी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। शुरुआत में दीपक को मध्य प्रदेश में छपने वाले एक बहुत ही छोटे अखबार जिसका नाम था लोक स्वामी, उसमें उन्हें एक पत्रकार के रूप में जॉब का पहला अवसर मिला और यहीं से उन्हें अपने सपनों को सच करने का मौका भी मिल गया। उन्होंने लोक स्वामी अखबार को आगे लाने के लिए दिन रात एक कर दिया और फाइनली आया साल 1993 जब मध्य प्रदेश में MLA के चुनाव नजदीक आ रहे थे। और दोस्तों, उस समय जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज आती थी वो ज्यादातर दोपहर से शाम के वक्त आया करती थी और साल 1993 के वक्त जितने भी बड़े अखबार मध्य प्रदेश में छपते थे तो वो सारे अखबार सुबह के अखबार थे। और यहीं से दीपक जी के लोक स्वामी अखबार को बोनस पॉइंट भी मिल गया क्योंकि उस समय जितने भी दोपहर से शाम के वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आती थी उन सभी न्यूज को दीपक चौरसिया ही कवर कर देते। और क्योंकि उनका अखबार ही शाम का अखबार था, इस कारण वो इन सभी न्यूज को सबसे पहले ब्रेक कर देते, जिस कारण लोक स्वामी अखबार मध्य प्रदेश के टॉप 10 अखबार में शामिल हो गया। और दोस्तों, यहीं से दीपक सर को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में से एक आज तक पर रिपोर्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने लगभग 8 साल तक काम करा और साल 2003 में दीपक जी ने आज तक से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने ABP न्यूज, इंडिया न्यूज और बहुत सारे चैनलों में काम करा और मौजूदा समय में दीपक जी न्यूज नेशन में एक डिबेट एंकर का रोल अदा कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको मिलाता हूँ दीपक जी के परिवार से। तो दीपक जी की शादी बहुत साल पहले ही हो चुकी है और उनकी वाइफ का नाम है अनासुया रॉय और इनकी दो बेटियां भी हैं जो आपको इस इमेज में दिख रही हैं। अब दोस्तों, दीपक जी की कारों से भी मैं आपको परिचित करा देता हूं। तो इनकी पहली कार का नाम है जीप सहारा, जिसकी प्राइस लगभग 64 लाख रुपीस है। वहीं इनकी दूसरी कार का नाम ले तो उनकी दूसरी कार का नाम है रेंड रोवर डिस्कवरी, जिसकी प्राइस लगभग 83 लाख रुपीस है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि दीपक जी कमाते कितना है। तो दीपक जी की एक मंथ की सैलरी लगभग 20 लाख रुपीस है। वहीं इनके नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो ये साल में लगभग 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। तो ये थी दीपक चौरसिया जी की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।